इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं भीमा देवी के टेंपल। और भीमा देवी टेंपल का भी बहुत ही पुराना इतिहास है, यानी एक बहुत ही प्राचीन मूर्तियां यहां पे जो खुदाई के समय मिली हैं, कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिनको हरियाणा सरकार ने बहुत ही संभाल के रखा है। भीमा देवी मंदिर परिसर में सरकार ने, यानी हरियाणा सरकार ने, एक बहुत ही सुंदर म्यूजियम भी बनाया हुआ है। और जो अवशेष मूर्तियां या जो पत्थर, उनकी कला निकासी देखते हुए उनको संभाल के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी निकासी, जो पहले खुजराहों या कोणार्क उड़ीसा में के मंदिरों के ऊपर मिला करती थी, वही कलाकृति यहाँ पिंजौर में भीमा देवी का मंदिर, जो कि 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में माना गया है कि इस दौरान यहाँ सभ्यता रही होगी। देख पा रहे हैं आप बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ, अप्सराएं हैं, गणेश की मूर्तियाँ हैं, या अप्सराएं डांस कर रही हैं, भगवान विष्णु हैं, यानी ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ कई सारे म्यूजियम के अंदर यहाँ रखी गई हैं। भीमा देवी मंदिर जो अपने आप में एक अनूठी कला का संगम था, यानी उस वक्त सभ्यता जो है कितनी उच्च कोटि की रही होगी। हम लोग बाहर भी आते हैं, आप देख पा रहे हैं एक नया पार्क बनाया गया है यहाँ पे, और पार्क के अंदर भी ये पत्थर जो उस वक्त के मिले हुए हैं उनके अवशेष रख दिए गए हैं। शिवालिक की सुंदर पहाड़ियों की तलहटी में बसा है ये प्राचीन नगर, जिसे हम पंजौर क्षेत्र आदि मानव का उद्गम स्थल कहा करते थे, किंतु इस नगर को अधिक महत्व पांडवों के द्वारा अज्ञातवास का अंतिम वर्ष गुजारने के कारण ही दिया गया है। इसलिए संभवतः 5 पांडवों ने इस स्थान को जोड़ने के कारण प्राचीन शिलालेखों में भी इस स्थान का नाम पंजपुर, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि पिंजौर का नाम पहले पंजपुर हुआ करता था, ही मिलता है। समय के अभ्रंश से अब पिंजौर इसका नाम बना दिया गया है। सन 1974 में सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया और यहाँ पाया कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता यहाँ पे बची हुई है, और उन्होंने इन अवशेषों को जब जोड़ के देखा तो ये पाया गया कि यहाँ अवश्य ही को बहुत बड़ा शिव मंदिर रहा होगा। आप देख पा रहे हैं कि शिव मंदिर के अलावा एक यहाँ बावड़ी भी है, जो इसी स्थान के नज़दीक ही पड़ती है, यानी इस पार्क के अंदर ही पड़ती है। कुछ बूंदे यहाँ पे आ रही हैं, यानी बरसात शुरू हो चुकी है, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर बावड़ी और बहुत ही स्वच्छ जल इस बावड़ी का आप देख पा रहे हैं, यानी भीमा देवी के मंदिर की परिसर की ये वो तस्वीरें हैं जो आप घर बैठे देख पा रहे हैं। यानी एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो 9वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ फला फूला करती थी, आज उसके अवशेष यहाँ मिले हैं। जब भी आप पिंजौर आएँ या याद विदन गार्डन, या जिसे आप पिंजौर गार्डन कहते हैं, घूमने आए, तो ये इसकी बिल्कुल बैक साइड में है, यानी इसकी साइड में पड़ती है, तो यहाँ ज़रूर अवश्य आएँ। हरियाणा टूरिज्म ने यहाँ बड़े विशेष प्रबंध किए हुए हैं, साफ़ सफाई का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है, और इस प्राणी सभ्यता को संभालने के लिए बहुत पुरजोर उन्होंने कदम उठाए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि प्राणी निकासी किस तरीके से खुजराहों और कोणार्क के मंदिर में जुमला करती थी, आज वो पिंजौर के अंदर, यानी भीमा देवी मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं। इसको बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये प्राणी सभ्यता का। भीमा देवी के मंदिर का भी इतिहास कहीं ना कहीं पांडवों के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ ये दर्शाती हैं कि पांडव यहाँ पे अवश्य रहे होंगे, क्योंकि इन मूर्तियों को देख के लगता है कि भगवान शिव का यहाँ कोई विशाल मंदिर रहा होगा। और भीमा देवी, जिसे माँ आदि शक्ति का भी अवतार माना जाता है, उसकी मूर्तियाँ भी यहाँ विशेष तौर पर पाई गई हैं, और ये सभ्यता बहुत पुरानी है, और इसीलिए पांडवों से जोड़ के से देखा जाता है।